आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। हमें जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट मिली है राष्ट्रीय नेतृत्व से, तो आज हम प्रत्याशी का नाम घोषित करने वाले हैं आप लोगों के माध्यम से। किसको बनाया गया है प्रत्याशी अपना पहले? जी, आज हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि इतने दिनों से जो सपा का एक क्षेत्र शासन चल रहा था और धन बल और बाहुबल के खिलाफ आज हम लोगों ने प्रत्याशी के हमारे सामान्य कार्यकर्ता राकेश रीता पटेल को हमने प्रत्याशी घोषित किया है अपनी पार्टी की तरफ से। किस वार्ड से चुनाव लड़ी थी रीता पटेल जी? रामनगर ब्लॉक में 59 नंबर वार्ड से ये जीती थी। दावेदारी पेश करने जा रही है, तो कितनी कटराहट रहेगी इस दरमियान? नहीं, इस विषय में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक हम भाजपा और अपना दल संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हम उतार रहे हैं रीता देवी को, रीता पटेल जी को, तो इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि वो निर्दल लड़ने जा रही हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित करेगी कि क्या करना है आगे। अगर ऐसे में प्रत्याशी अगर वो भी हैं और अगर निर्दल चुनाव लड़ती हैं जी, तो हरिवंश सिंह के घर के हैं अपना दल से, वो भी सांसद रहे, तो क्या इस संदर्भ में कुछ कार्रवाई भी होगी या दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही निर्णय लेगी क्या करना है, इसमें हम कुछ भी अपना कमिट नहीं कर सकते। हमें जो कहा गया है हम उतना ही कर रहे हैं। हमें ये निर्देश दिया गया है और हमें ये कहा गया है कि हमारी तरफ से रीता पटेल प्रत्याशी होंगी और हम उनका नाम कल हम उनका पर्चा भी दाखिल करवाएंगे अपनी पार्टी की जीत को लेकर। कितना आश्वस्त है जिला पंचायत? एकदम 100% जिला पंचायत सदस्य जो भी जीते हुए हैं वो हमारे समर्थन में है और वो हमें पूरा समर्थन देने के लिए तैयार भी हैं, तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। आपके पास तो छह ही हमारा मड़ियाहू विधानसभा से हम 5 और 2 और थे और अन्य वार्ड से हमारे जीते हुए प्रत्याशी, लेकिन हमें समर्थन और भी सभी जिला पंचायत सदस्यों का प्राप्त है, तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे चुनाव।